जय श्री राधे हर हर महादेव। मित्रों, आज हम एक और भक्ति में वीडियो लेकर के आए हैं श्री राधा रानी पर। अपने अंदर समस्त ब्रह्म ज्ञान को समेटे हुए यह नाम राधा के बिना अधूरा है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के नाम को राधा के साथ ही सार्थक माना जाता है। रिश्ता प्रेम का हो, वियोग का हो या फिर अध्यात्म का, राधा कृष्ण से अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। पद्म पुराण में भी कृष्ण कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल पड़ता हूँ। महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत की मूल पुस्तकों में राधा नाम के चरित्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले कई लोग राधा को साधारण गोपी मानते हैं, कई तो उन्हें कल्पना करार दे देते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि यदि राधा तत्कालीन समय में इतनी ही महत्वपूर्ण चरित्र थी तो महर्षि वेदव्यास जैसे त्रिकालदर्शी ने उनका वर्णन क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी ओर ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा कवि जयदेव दो ही ऐसे प्रमाण हैं जो राधा के चरित्र के होने की पुष्टि करते हैं। गीत गोविंद एवं चैतन्य चरणामृत में भी राधा और कृष्ण के मिलन विक्षोह का प्रमाण मिलता है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे, उनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया करते थे। यही कारण था कि राधा बिरजा को पसंद नहीं करते थे। एक बार श्री कृष्ण बिरजा से मिलने उनके घर पहुंचे, पीछे पीछे राधा भी वहां आ गई। श्री कृष्ण तो बिरजा के महल में चले गए पर राधा को द्वारपाल श्री दामा ने रोक लिया। इस हिमाकत के लिए राधा ने श्री दामा को कुछ कहा, उन्होंने श्री दामा को श्राप दे दिया कि वे असुर के कुल में जन्म ले। श्री दामा जो स्वयं श्री कृष्ण का भगत था वह इस श्राप से दुखी भी हुआ और क्रोधित भी, अतः उसने भी राधा को श्राप दे दिया कि 100 वर्षों के लिए उसका भी श्री कृष्ण से विक्षोभ हो जाए। एक दूसरे पर क्रोध जाहिर करने के जल्दी में दोनों ने खुद को श्री कृष्ण से दूर कर लिया था। अतः वे श्राप की मुक्ति के लिए वापिस श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। श्री कृष्ण श्री दामा को असुरराज बनने का वरदान देते हैं और कहते हैं कि धरती लोक पर मेरे हाथों तुम्हारा वध होगा और तुम श्राप से मुक्ति पा करके फिर मेरी शरण में आ जाओगे। वहीं राधा से कहते हैं कि तुम मेरे साथ धरती लोक पर मानव रूप में अवतार लोगे, वहाँ हम साथ रहेंगे पर कुछ वर्षों की दूरी भी आएगी, फिर जब तुम्हारा श्राप कट जाएगा तब हम फिर मिलेंगे। द्वापर युग में श्री धामा शंखचूर नामक असुर के रूप में जन्मा और राधा वृषभानु और कीर्ति की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। राधा के धरती पर जन्म लेने के पीछे भी अलग अलग तर्क है। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा आती है, इसके अनुसार रुक्मिणी का जन्म राजा भीष्म के रूप में हुआ। राधा के जन्म और श्री कृष्ण के वियोग की कहानी तो जान ली, पर अब सवाल यह उठता है कि जब राधा का श्राप समाप्त हो गया तब वे कृष्ण के जीवन में आई या नहीं, आखिर इस प्रेम कथा का अंत कैसे हुआ। तो इस संदर्भ में
ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक घटना मिलती है। इसके अनुसार जिस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था, ठीक उसी समय राधा को मिले श्रीराम के श्राप की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। आगे जब युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया, तब राधा ब्रज से निकलकर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका की ओर निकल पड़ी। कृष्ण के बिना 100 वर्ष गुजरने के बाद राधा के चेहरे पर अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। उनके चेहरे की हर एक झुर्री बीते 100 वर्षों का हिसाब लेने के लिए काफी था। पर राधा इन सब बातों से परे केवल कृष्ण के बारे में सोच रही थी। लंबा सफर तय करते हुए वे कृष्ण के महल पहुंची। वहां दास दासियों, मंत्रियों और रानियों के बीच कृष्ण को देखकर राधा एक कोने में खड़ी उनकी एक नज़र का इंतजार करती रही। इसी बीच श्री कृष्ण की नज़र उन पर पड़ी। दोनों को अपना प्रेम जाहिर करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों की आंखों में बस आंसू झलक आए और सारे संवाद मन ही मन हो गए। क्योंकि राधा द्वारिका में उन्हें कोई जानता ही नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। असल में वे राधा को हमेशा अपने समक्ष रखना चाहते थे। राधा से इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार जब मिला तो वे सारा दिन महल में ही रहती, वहाँ का कामकाज संभालती और जब तब अपने कान्हा के दर्शन कर लेती। कृष्ण के आसपास इतनी रानियाँ और दासियाँ थीं कि राधा उनके नज़दीक जा ही नहीं पाती थी। ऊपर से बढ़ती उम्र के असर से उनके मन में यह भ्रम पैदा कर दिया था कि शायद कृष्ण अब उन्हें पहले की तरह नहीं चाहते, इसलिए वह उनसे दूर है। इसी भ्रमवश एक रात उन्होंने बिना किसी को खबर किए महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने जाने का कोई मार्ग तय नहीं किया था, बस चलना स्वीकार किया था। वह भी यह भूल कि श्री कृष्ण के अनंत रूप है और अनंत के स्वामी है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। राधा जा तो रही थी पर उनके मन में कृष्ण नाम की धुन लगातार बजे जा रही थी। कृष्ण ने भी बिना देर किए तत्काल मार्ग में आकर दर्शन दिए। राधा की खुशी का पारावार नहीं रहा। वे लंबे मार्ग को तय करते हुए थक चुकी थी और कृष्ण को देख करके उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। पै घड़ी नज़दीक आ चुकी थी जब राधा और कृष्ण का अंतिम वियोग होना था। कृष्ण ने राधा से प्रश्न करते हुए कहा, प्रिय तुमने धरती लोक पर मेरा बहुत साथ दिया है, आज जब हम आखिरी बार इस लोक में मिल रहे हैं तो बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हारे अपने पूरे जीवन में तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। राधा की आंखों से आंसू झरझर करके निकल रहे थे। उन्होंने अपने कम कम पाते होंठ खोले और धीरे से बोले, कहना मैं आखिरी बार तुम्हें बांसुरी बजाते देखना चाहते हैं। कृष्ण ने देर न करते हुए अपनी बांसुरी उठाई और राधा की आंखों में आंखें डाल करके उसमें सुर फूंके। बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कृष्ण के चरणों में प्राण त्याग दिए। एक मनुष्य के रूप में शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत मृत्यु किसी को ना तो मिली है और शायद फिर कभी मिल भी ना सके। जब कृष्ण ने राधा की ओर देखा तो उनके हाथों से बांसुरी छूट गई। यह वह आखिरी क्षण था जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। इसके बाद उन्होंने बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाया और बांसुरी को तोड़ के झाड़ियों में फेंक दिया। जय श्री राधे, हर हर महादेव।